स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इन्फिनिक्स ने पिछले महीने हॉट 9 को इंडोनेशिया में लॉन्च किया था। इसके बाद से ही चर्चा है कि कंपनी इस सीरीज के तहत एक नया स्मार्टफोन हॉट 9 प्रो लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। लीक्स के जरिए अभी तक इस स्मार्टफोन के कई फीचर्स की जानकारी सामने आ चुकी है। नई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो को भारतीय बाजार में लॉकडाउन के खत्म होने के बाद लॉन्च कर सकती है। प्राइस बाबा वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो को भारत में हॉट 9 का रीब्रांडेड वर्जन के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसे पिछले दिनों इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था। हालांकि अभी तक इसके लॉन्च की स्पष्ट डेट और आधिकारिक फीचर्स के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लीक्स के अनुसार इसके खास फीचर के तौर पर 5000 mAh की बैटरी और पंच होल डिस्प्ले दिया जा सकता है। इन्फिनिक्स हॉट 9 को एक ही स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया जाएगा। फ़ोन में 4GB रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी दी जा सकती है। फ़ोन में सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। यह फ़ोन ब्लैक, ब्लू, पर्पल और ग्रीन चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। उम्मीद है कि इसमें 6.6 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा। इन्फिनिक्स हॉट 9 की बात करें तो इसमें पावर बैकअप के लिए 5000 mAh की दमदार बैटरी दी गई है और यह हीलियो A25 चिपसेट पर आधारित है। इसमें पंच होल के साथ 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। फ़ोन में 4GB रैम और 128GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का लाइट कैमरा मौजूद है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फ़ोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।